अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की जानवर पाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली भारत में पाए जाने वाले यूनिक एनिमल्स। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। स्लेंडर लोरिस इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। यह जीव करीबन 15 साल तक जीते हैं। इनका फेवरेट फूड इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, प्लांट्स एंड फ्रूट्स होते हैं। स्लेंडर लोरिस के 2 स्पेसिस पाया जाता है, रेड स्लेंडर लोरिस, ग्रे स्लेंडर लोरिस। अगर हम स्लेंडर लोरिस के वजन की बात करते हैं तो 180 ग्राम का होता है। यह जानवर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। डुगोंग, इनको सी काउ भी कहा जाता है, यह एक मध्यम प्रकार की समुद्री गाय है। यह जो एक मध्यम आकार की समुद्री स्तनधारी प्राणी है, विश्व के कई भागों में समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह समुद्री गाय की 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। यह समुद्री गाय डुगोंगिलिया की एकमात्र एक लौता प्रजाति है। कैरखल, यह पतली और एक मध्यम आकार की बिल्ली होती है। यह मुश्किल से जंगल में देखने को मिलता है। इनकी लंबाई करीबन 17 सेंटीमीटर की होती है। भारत के अलावा मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इस बिल्ली की सबसे बड़ी विशेषता होती है गुच्छेदार कान। निकोबार होगन, यह कबूतर भारत के निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। इनके अलावा थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार में पाया जाता है। यह करीबन 40 सेंटीमीटर तक होता है, हालांकि इनकी पूंछ छोटी होती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।